हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स स्वागत करता हूं। फिर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक नए सब्जेक्ट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से बिजनेस स्टडीज के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ रहा हूं। बहुत कॉमन पेपर है, जरूर इस टॉपिक से आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान पोर्शन भी है। देखिए क्या है आपका, ये है एमकॉम एंट्रेंस से, देखिए आपका ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका भी एक ही वीडियो है जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किए। आइए पढ़ते हैं। डैश डैश कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हम गुड्स का लेन देन करते हैं वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। क्वेश्चन टू, Which of following is the components of commerce? Commerce means trade and auxiliaries to trade. देखिए, trade and auxiliary to trade commerce means होता है। Which of the board categories of industries cover oil, refining or sugar? Primary और secondary दो industries होती है। Primary, secondary, primary industry में जो produce करते हैं वो secondary industries के लिए input raw material होता है। तो oil और sugar factory में oil के लिए हमें जो चाहिए, मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, सरसों चाहिए, तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। तो सुगर के लिए गन्ना चाहिए जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। तो पूछ रहा है विच ऑफ द बोर्ड कैटेगराइज इंडस्ट्रीज कवर द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, तो कौन इंडस्ट्रीज जो है वो कवर करती है। फिर से पढ़िए, Which of board categorized industries cover oil, refining and sugar? ये secondary industries होती है जहां oil और sugar बनाया जाता है, but with the help of primary. The industries which provide support service to other industries, जो industry दूसरे को support करती है, यानी secondary के लिए जो हमारा इनपुट होगा एंड सेकेंडरी में जो रॉ मटेरियल होगा वो प्राइमरीज जाएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है वो सपोर्ट करती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज, माइनिंग जो है वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं। बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, कंजम्पशन पे खत्म होता है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज, गुड्स को बनाना इंडस्ट्रीज का पार्ट कहलाता है। The industries which provide support service to other industries, फिर वही क्वेश्चन आया आपका, वो इंडस्ट्रीज जो दूसरे इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है आपका। ट्रेड में बाइंग और सेलिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू स्टार्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, इजी टू स्टार्ट, इजी टू एंड, जब चाह तब स्टार्ट किया, जब चाह तब बंद कर दिया। लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे पार्टनर्स की लायबिलिटी, जो सोल प्रोप्राइटर लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर्स, दिस इज डिस्टिंक्ट फीचर, एंड किस में प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा प्रॉफिट्स ओनर का होता है, यहां प्रॉफिट शेयर होता है, यहां भी शेयर होता है। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड या लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कोटेशन जो दिया गया है विलियम आर बेसेट ने दिया है। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड एग्रीमेंट्स अमंग इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म में आता है जब पार्टनर्स के बीच ही एग्रीमेंट्स होता है। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म आर अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। एवरी पार्टनर्स इज बोथ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स ऑफ द फॉर्म, पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट्स भी होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लाइबिलिटीज ऑफ माइनर, माइनर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, जैसे वो मेजर हो जाएगा वो लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएगी। नॉमिनल पार्टनर्स आर दैट वन नॉमिनल, जो अपना नाम फॉर्म को देता है, अलाउज टू यूज हिज नेम, वो नॉमिनल पार्टनर्स कहलाता है। इन इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इंडियन इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वॉलंटरी, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, मर्जी कराएं या न कराएं। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू
शेयर होल्डर की लायबिलिटी शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू तक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक होता है. अ प्राइवेट कंपनी इज वन हू शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. शेयर कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन, ये भी नहीं. यानी शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते. रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कंपल्सरी होता है. कंपनी का फॉर्मेशन लीगल होता है. कंपनी क्रिएट बाय लॉ, कंपनी इज वाइंड अप बाय लॉ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड, यू कैन से अप टू नंबर ऑफ शेयर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी 7 होते हैं. ये 7 होता है मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी. इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल सक्सेशन इज फाउंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कंपनी में. द कैपिटल ऑफ द इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच वन पार्ट कॉल्ड शेयर्स. कंपनी के कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको शेयर्स कहा जाता है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी? 3. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ कर्ता अनलिमिटेड. मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अक्वायर्ड बाय बर्थ. जन्म लेते ही यहां फैमिली के बिजनेस के मेंबर्स मान लिए जाते हैं. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज कर्ता. जो फैमिली का सबसे बड़ा होता है, कर्ता कहते हैं, उसके थ्रू होता है. हिंदू सक्सेशन लॉ वॉज फॉर्म इन द ईयर 1956. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड 10. कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वॉज पास 1912. रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल्स फॉलोड वन मैन वन वोट. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर लिमिटेड. द बेसिक आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इज नोन. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नहीं, सर्विस मोटिव हो सकता है. यूनाइट वी कैन फेस द कॉम्पिटिशन बेटर. यूनिटी इज यही होगा, सर्विस मोटिव, एक दूसरे मेंबर्स के सेवा करने के लिए, एक दूसरे जो फाइनेंशियल वीकर मेंबर हैं उनको फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाने के एक दूसरे का हेल्प करते हैं. इफ ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट द लेआउट इज नोन एंड प्रोडक्ट लेआउट. Which of following type of layout is preferred to manufacture a standard production in large quantity? A product layout. What is the main objective of business communication? Profit maximization. जब दो या दो से ज्यादा businesses मिलके एक हो जाते हैं तो ये business communication होता है. एक तरह के businesses मिलेंगे तो वो horizontal combination होगा, और अलग अलग तरह के businesses मिलेंगे एक साथ तो वो vertical होगा. The combination established by several business unit in an attempt to attain a common objectives. So, ye common objectives, which is usually to reduce competitions, are known as business combination. And profits ko bahane ke liye kiye jaate hain. Dash Dash is a type of combination of organizations which are engaged in the same type business milke agar ek ho jayenge to horizontal combinations hoga. Comma Dash Dash is also called industries or process or sequence integrations. ये vertical combination हो जाएगा. When the main production units of industries combines with other entity offering auxiliary products or services to the industries, it is called diagonal combinations. ये था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से बिजनेस स्टडीज के 50 क्वेश्चंस. बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में
दो पेपर जो शुरू के थे, पेपर वन पेपर टू, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के थे और कंपल्सरी में थे, इसलिए मैंने इसका वीडियो कवर किया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आंसर्स में कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।